back to my channel and welcome to a new episode of hashtag quirky diwali week. I hope abhi aap log ye series puri enjoy kar rahe ho. Aaj ki video bahut zyada special hai. I have my mom right here and we are kind of like twinning in our clothes. So hum aaj aapke liye banane wale hain diwali ki mithai and I really like main aur mummy jab sochne baithe ki hum cook with quirky ka episode karne wale hain in the quirky diwali series to humne socha ki hum kaisi type ki mithai bana sakte hain. Now diwali is known for मीठा खाना खूब खाना एंड एंजॉय करना फैमिली के साथ सो हमने सोचा कि हम कैसी मिठाई बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो है ना जो सबसे इजी हो और सबसे जल्दी बन जाए. हाँ तो इफ यू गाइस डोंट नो मेरी मम्मी को कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है एंड हम ये सीरीज भी बहुत ज्यादा कर चुके हैं. मेरी मम्मी को काजू बर्फी बनानी आती है विच इज माई फेवरेट एंड वो गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे बनाती है. बट वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स इन दिवाली जिसपे मैं बहुत ज्यादा मंच ऑन करती हूँ इज छेना मुर्गी तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड अप अंटिल लास्ट ईयर मुझे पता भी नहीं था कि वो पनीर से बनती है. मुझे बिल्कुल नहीं, आई हैड नो आइडिया. ये मिठाई सबसे इजी है, सुपर इजी है और बहुत जल्दी बनती है. 15 मिनट में ये मिठाई बन जाती है और इतनी टेस्टी डिलीशियस और ओनली टू इंग्रेडिएंट्स से बनती है. दो इंग्रेडिएंट्स में आराम से बन जाती है एंड आप सबके लिए बना सकते हो, पूरी फैमिली मिलके खा सकते हो. इवन आपके घर में अगर कोई आसपास के रिलेटिव्स या पड़ोसी है उनको भी खिला के ट्राई कर सकते हो. सो आई होप दिस इज समथिंग दैट यू गाइस आर गोना एंजॉय. कुकिंग दिवाली मिठाई विद माय मॉम इज अ ड्रीम कम ट्रू. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट, मम्मी क्या क्या चाहिए हमें छेना मुर्गी बनाने के लिए? इसमें हमें ओनली टू इंग्रेडिएंट्स चाहिए. एक तो चाहिए पनीर और एक चाहिए चीनी. और ये कितने टाइम में बन जाता है? ये 15-20 मिनट्स में बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी. अगर आपको ज्यादा बनाना है तो ज्यादा देर लगेगी. कितनी क्वांटिटी बनाना? हम 200 ग्राम पनीर ले रहे हैं तो इसमें मतलब बन जाएगा 300-400 ग्राम बन जाएगी. वाह वाह वाह, मैं तो पूरा दिन आज यही खाने वाली हूँ. ओके सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रोसीजर नाउ. अच्छा तो इसके लिए छेना मुर्गी बनाने के लिए हम 200 ग्राम पनीर ले रहे हैं. ओके और यही पनीर बेटर रहता है. अगर आप डेयरी से कहीं से पनीर लोगे वो कई बार थोड़ा सा टूटता जल्दी है, ये ठीक रहता है. हमें प्रॉपर शेप बनानी है ना छेना मुर्गी की इसलिए. और 200 ग्राम पनीर लिया है तो हम इसमें हमेशा जितना भी पनीर होगा उससे थोड़ा ज्यादा चीनी लेते हैं. अच्छा। तो हमने 200 ग्राम पनीर के लिए 300 ग्राम चीनी ली. ठीक है. बाकी हम फ्लेवर के लिए इसमें दो तीन चीजें डाल सकते हैं. कई लोग छोटी इलायची कूट के डालते हैं. अगर गुलाब जल है तो गुलाब जल डाल लो, अगर केवड़ा है तो केवड़ा डाल लो, अगर वो भी नहीं है तो कुछ भी नहीं डालो. सिंपल भी बन सकती है ना, बेसिक सिंपल भी बन सकती है. तो मेरे पास गुलाब जल है तो मैं थोड़ा सा गुलाब जल डालूंगी. ठीक है. बाकी मेन दो इंग्रेडिएंट्स और पानी चाहिए और हमारी छेना मुर्गी रेडी. इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि इक्वल पीसीज हों और बहुत मोटे नहीं हों. अगर बहुत मोटे होंगे तो फिर छेना मुर्गी अंदर से कच्ची रह जाएगी. इसलिए बहुत मोटे भी नहीं और बहुत ही पतले भी नहीं कि वो टूट के बिल्कुल मीडियम मीडियम स्क्वायर साइज में. इस साइज में हमें इक्वल साइज में काट लेने हैं सारे. तो छेना मुर्गी दो तरह की बनती है. कई जगह गीली गीली मिलती है हलवाइयों के और एक बिल्कुल सूखी मिलती है. तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं. तो मैं आपको बता दूंगी बनाते हुए कि कैसे मगीली बनाना चाहे तो किस स्टेज पे रुक जाना है और अगर ड्राई बनानी है. वैसे टेस्टी तो सबको ज्यादा ड्राई लगती है पर कई लोग मीठा गीला भी पसंद करते हैं. मुझे भी थोड़ा कम चाशनी पसंद है. अब हम ये कढ़ाई लेंगे. नॉनस्टिक कढ़ाई लेनी चाहिए क्योंकि अगर नॉनस्टिक नहीं लेंगे तो थोड़ा चाशनी चिपकती रहती है तो इसे नॉनस्टिक में ज्यादा बेटर और इजी हो जाता है. सो आवर स्टेप टू आफ्टर कटिंग द पनीर इज के हमें चाशनी बनानी है. उसके लिए हम पहले गैस ऑन करेंगे. अभी तो हाई पे ही रखना है. ये हमारी जितनी भी चीनी है सारी हम डाल लेंगे. 300 ग्राम और इससे आधा हमें पानी डालना है. ठीक है. तो पानी हम लेते हैं. ये हम इसमें पानी डालेंगे. पानी बेसिकली इतना होना चाहिए चीनी इसमें डिप हो जाए. ओके. सो गाइज जब तक हमारी चाशनी बन रही है आई वुड रियली लव टू टेल यू गाइज अ बचपन का किस्सा. मुझे बचपन में कोई मिठाई पसंद नहीं थी एंड द वन थिंग दैट आई रियली रियली लव वॉज इन फैक्ट छेना मुर्गी. एंड मैंने एक बार लालच में क्या खा लिया था मम्मी? फिनोफ्थलिन बॉल्स खा ली थी छेना मुर्गी समझ के. ओह माय गॉड, बिकॉज दे लुक सो मच अलाइक एंड मैं कितने साल की थी तब?
4 साल की होगी. ओ माई गॉड, लाइक ओ माई गॉड, 4 साल के बच्चे ने छैना मुर्गी के लालच में विनोफ्थलीन बॉल्स खा ली. हम कहीं गए थे एंड आई थिंक कुछ घर देख रहे थे या कोई ऑफिस देख रहे थे, वहां पे साइड में पड़ी थी विनोफ्थलीन बॉल्स एंड आई वॉज लाइक वाओ छैना मुर्गी, चलो मैं खा लेती हूँ, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा. एंड मैं अपने कोने में जाके उसको खा लिया था. लकीली मेरी मासी एंड मम्मी पापा सबने देख लिया एंड देन मुझे धक्के मार मार के फिर निकलवाया वो मुंह से, नहीं तो जहर मेरी बॉडी में फैल जाता. एंड दिस इज सो एम्बेरसिंग, बट या आई यूज टू बी अ बिग भुक्कड़ फॉर माई फेवरेट थिंग्स ओनली. आई डेंट यूज टू ईट दैट मच, बट जो मेरी कोर फेवरेट चीजें थी वो मैं बहुत ज्यादा खाती थी एंड मेरे को उससे बिल्कुल शेयर करने का मन नहीं होता था. तभी मैं साइड में बिना किसी को बताए ले गई थी एंड उस दिन मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी कि इतना लालच नहीं करते, जो चाहिए वो बता देते हैं मम्मी पापा को. हम तो सब डर गए कि अब क्या होगा, इसने खा लिया और पता नहीं कितनी खा लिया, ये भी नहीं पता था एक खाई है दो खाई है, हम सब बहुत डर. बट आई एम अलाइव, थैंक यू गॉड, एंड वी आर मेकिंग छैना मुर्गी टुडे. अब ये जैसे हमारी चीनी घुल गई है तो अगर चीनी में इम्प्योरिटीज होती हैं तो मैल से ऊपर दिखाई देने लगती है, तो उस टाइम अगर हम 2 चम्मच दूध डाल दें तो वो सारी मैल एक साइड में आ जाती है, उसको फिर हम चम्मच से निकाल लेते हैं. ओके, पर हमारी चीनी बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो इसलिए इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है उसका मतलब. अब बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे थोड़ा चम्मच में लेके ऐसे करके 2 उंगलियों के बीच में, कोई तार बन रही है, अभी कुछ भी नहीं बन रहा. तो इट मीन्स अभी हमें और पकाना है इसको. दिस इज सम सीरियस चाशनी मेकिंग गोइंग ऑन. तो एक तार की चाशनी बनने में कितना टाइम लग जाता है? 10 मिनट लग जाएंगे. ठीक है. अभी हम चेक करते हैं कि बनी है कि नहीं. एक कटोरी में लेके थोड़ा इसको ठंडा करेंगे. ये देखिए एक तार की चाशनी बन रही है ना. हाँ, एक एक तार ही दिख रही है. एक तार दिख रही है. तो मतलब हमारी चाशनी तैयार है. हाँ, हमारी चाशनी अब तैयार है. अभी स्टेज पे गुलाब जल डाल देंगे, एक चम्मच डाल देंगे थोड़ी खुशबू के लिए. इस स्टेज पे जब एक तार की चाशनी बन गई तो हम अपना पनीर इसमें डाल लेंगे. अच्छी खुशबू आ रही है. अब ट्रिक ये है इसमें कि हमें अब इसको लगातार चलाते रहना. ओ अच्छा. अगर हम इसको नहीं चलाएंगे कोट नहीं होगा, चीनी अच्छे से कोट नहीं होगी और छैना मुर्गी अच्छी नहीं बनेगी. पर चलाना ऐसे है आपको पनीर नहीं तोड़ने. शेप बिगड़ जाएगी ना. हाथों से चलाना, वेरी सॉफ्ट हैंड्स. बस ये कोट होती जाए चाशनी इनमें. 5 मिनट में रेडी हो जाएगी. ओ माई गॉड, 5 मिनट में रेडी नहीं होगी, गैस का काम खत्म हो जाएगा. ओके ओके, गैस बंद कर देंगे. पर जब तक पूरा कोटिंग अच्छे से नहीं होगी हम हिलाते रहेंगे. ओके. अब जैसे इस स्टेज पे जब ये झाग झाग हो जाए और थोड़ी ऐसे करके देखें, थोड़ी वाइट वाइट इसका कलर आ रहा है ना, ठीक हो रही है. तो इट मीन्स ये बन गई है. अब इस टाइम हम गैस बंद कर देंगे. ठीक है. और इसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये चीनी है बिल्कुल सूख नहीं जाए. ओके. इसको 2 मिनट भी हिलाए बगैर नहीं रखना, धीरे धीरे हम इसको हिलाते रहेंगे. सो ये 2 इंग्रेडिएंट या 3 इंग्रेडिएंट तो है, लेकिन मेहनत इसमें भी है. हर चीज़ में खाने में लगती है कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो लगता है. जहाँ इंग्रेडिएंट्स कम है वहाँ पे थोड़ा एफर्ट भी ज़्यादा हो गया, पर द टेस्ट इज सुपर डिलिशियस. किसी किसी को ऐसे गीली गीली भी पसंद आती है कि इसको थोड़ा सा निकाल के ऐसे गीली गीली खाते हैं. बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं, पर हम दोनों ही ट्राई करेंगे. ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल लो, अदरवाइज पूरा एंड तक जब ये सूख नहीं जाए इसको हिलाते रहें. तो जिनको ऐसे चाशनी वाली चाहिए वो इस स्टेप पे रुक भी सकते हैं, और जिनको थोड़ी ड्राई छैना मुर्गी पसंद है वो करते जाए ऐसे. ये चीनी जैसे अब जमती जा रही है इसको अभी भी हिलाते रहना हमें जब तक ये बिल्कुल सूख नहीं जाए. ठीक है. और इसको कोट पूरा अच्छे से करते रहना इसके ऊपर. बट वाओ, ये पूरी सॉलिडिफाई हो रही है ना. अब ये बिल्कुल सूख गई है चीनी, ड्राई हो गई है एकदम से, और ये अच्छे से छैना मुर्गी में कोट भी हो गई है. तो अब हम इसको इस स्टेज पे छान लेंगे.
अब ये देखिए आप चीनी अच्छे से कोट हो गई है, इसको हम इसमें डालते जाएंगे। वैसे ये तो बहुत ही इजी है, फील लाइक मैं अकेले भी बना सकती हूँ एक बार। आपको मम्मी इतनी सारी मिठाई वगैरह बनानी कहाँ से आई? क्योंकि मुझे मीठा शुरू से ही बहुत पसंद था और फिर उदयपुर में मेरी एक फ्रेंड थी तो उनसे मैंने सीखा था काफी कुछ बनाना। सो आई गेस मैंने अपनी ऑडियंस से ये चीज शेयर की हुई है कि मेरे डैड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, ही वॉज इन LIC एंड हमारी हर एक डेढ़ दो साल बाद ट्रांसफर होती थी। सो ड्यूरिंग दैट टाइम हम थोड़ा टाइम उदयपुर में रहे थे एंड वहीं पे मम्मी ने कुकिंग का लाइक मेजर चंक, आपको इंटरेस्ट कुकिंग का उदयपुर में आया था एंड आई यूज टू यू नो मेक दीज फरमाइश कि मम्मी आज ब्रेड रोल बना दो, आज पिज्जा बना दो, आज छेना मुर्गी बना दो, आज एक बार हमने क्या काजू कतली वाला रोल भी बनाया था एंड इट वॉज सो डिलिशियस। सो या अगर आप लोग चाहते हो कि मम्मी और मिठाई बनाए या फिर अपनी कोई स्पेशल रेसिपी शेयर करे कम इंग्रेडिएंट्स वाली, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो क्योंकि आई वुड लव टू शेयर मॉम्स रेसिपीज विद यू गाइस। शी इज ऑलवेज मोर देन हैप्पी टू टेल यू गाइस, टीच यू गाइस। ये छेना मुर्गी रेडी हो गई है और ये जो हमारे चीनी है जो हमने छानी है इसको हम रीयूज कर सकते हैं, इसको हम चाय में डाल सकते हैं, इसको दोबारा अगर बनानी हो छेना मुर्गी तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, किसी मिठाई में यूज कर सकते हैं, सब जगह ये यूज हो जाएगी क्योंकि इसमें कुछ खट्टा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो इसको एज ए बूरे की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये देखिए छेना मुर्गी के चारों तरफ ये चीनी की कोटिंग हो गई है और ज्यादा टूटे भी नहीं छेना मुर्गी, कई बार ऐसा होता है कि पूरा हलवा बन जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी और मम्मी ने पहली बार बनाई थी तो थोड़ी सी वो ऐसा चुई सी रह गई थी, बट स्टिल मुझे इतनी अच्छी लगी थी मैं सारी तब भी खा गई थी, बट नाउ शी हैज गॉटन सो मच बेटर। सो क्योंकि मीठा मेरी मम्मी का फेवरेट है, सो आज की पहली बाइट तो मम्मी खाएगी सबसे बड़ा वाला। ओके खाओ खाओ खाओ, वेरी टेस्टी, अच्छा लगा, अलग आ गई। चलो अच्छा, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। या सबसे अच्छी बात यह है उसमें ऊपर जब आप बाइट करते हो हल्का सा क्रंच है, बट अंदर जाते हैं मुंह में ऐसे घुल जाता है, इट्स रियली रियली नाइस। एंड आई पर्सनली फील लाइक बाजार और हलवाई से लेने के बजाय अगर आप ये घर पे बनाओगे आपको बहुत ही ऑर्गेनिक और एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो इस दिवाली अगर आपको कोई मिठाई बनानी हो हमारी वीडियो जरूर कंसिडर करना एंड अगर आप छेना मुर्गी रेप्लीकेट करते हो सो प्लीज 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 मेरे को टैग करना इंस्टाग्राम में, आई वुड लव टू रिपोस्ट योर स्टोरी ऑन माई स्टोरी। सो आज का जो गिव अवे है वो भी खाने से रिलेटेड है एंड द गिव अवे इज दिस ब्यूटिफुल हैम्पर फुल ऑफ गुडीज फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट बेकरी स्टोर्स ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड परोस्ता। आई विल मेंशन देयर इंस्टाग्राम हैंडल हियर। सो आपको ब्यूटिफुल हैम्पर मिलने वाला है जिसके अंदर बहुत कुछ टेस्टी सामान आपको मिलेगा खाने के लिए। सो दिस इज व्हाट द अमेजिंग पैकेजिंग लुक्स लाइक, वी हैव चॉकलेट्स राइट हियर एंड देन वी हैव द चॉकलेट फज वॉलनट ब्राउनी व्हिच इज एगलेस फ्रॉम परोस्ता, वी हैव दिस ब्यूटिफुल हनी बनाना वॉलनट टी टाइम केक व्हिच इज ऑल्सो एगलेस एंड दिस ट्रफल केक जार व्हिच लुक्स क्वाइट टेम्पटिंग टू बी ऑनेस्ट। सो ये सब आपको आपके दिवाली हैम्पर में मिलने वाला है एंड विद दैट यू आर ऑल्सो गोना गेट सम बॉबल्स फ्रॉम कोहिनूर ज्वेलरी अगेन one of my favorite jewelry Instagram stores and you're also gonna get these beautiful cushion covers from this Instagram store called Frillworks. They're so pretty, so beautiful and I would love for you guys to try them out. Keep in mind this giveaway is only available for my Delhi Quirky squad. So thank you so much guys for watching this video. Don't forget abhi main 15 November tak roz ek nayi video dalne wali hu. Thank you so much mummy for being a part of my quirky Diwali. Mummy, parents, family wagaira ke bina tyohar bilkul adhure hote hain. If you're seeing this face for the very first time, check out all the videos linked below. I know you're gonna love them and if you do, subscribe to my channel, hit that bell notification to get updates on every time I upload a new video. Every Tuesday, every Friday, subah subah 11 baje 15 November tak roz video aane wali hai and follow me on all my socials right there, especially on Instagram because I'm super active there. Like kar dena, share kar dena, comment niche kar dena and I'll see you next time. Bye! Bye.